और गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट की है और अब हम चलेंगे किसी नई वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए, है नी? ये देखिए ये अब सफर जारी हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम ये अपने घर से बाहर निकले हैं। फिर इंशाल्लाह अब करेंगे। ट्रैफिक देखिए कि बिल्कुल लाइन चेंज करते हैं और सब उसकी कोई लाइन चेंज नहीं कर सकता जब तक इशारा ना दे, अपनी लाइनों के अंदर चलते हैं, क्योंकि इससे बड़ा मतलब बगैर बताए कुछ दूसरी लाइन में आ रहा मेरे नज़दीक की चीटिंग है, तो वो चीटिंग नहीं करनी चाहिए। ले जी, ये पुल क्रॉस हुआ, यहाँ पुल के ऊपर 50 से ज़्यादा स्पीड नहीं होती और अब हम ये आ गए, हम एरंडेल पार्क ही आ गया, अब हम उसके अंदर दाखिल होंगे। ये हमने सेंटर लाइन से क्रॉस किया, सेंटर स्टे लाइन के अंदर आए, स्टे के ऊपर हमने इंतज़ार किया कि सड़क क्रॉस कब करनी है। ट्रैफिक इस वक्त थोड़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली तो लाइनें लगी होती हैं, अब तो ये है ऐसी ऐसी। तो ले जी, अब हम ये हम आगे मुड़ रहे हैं, ये एरंडेल पार्क आ गया, ये आ गया जी एरंडेल पार्क और अब हम इसके अंदर दाखिल हो गए हैं। एरंडेल पार्क में आपको कुछ सीन दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर से, कुछ मैं पैदल चल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह सैर। ये बहुत बड़ा पार्क है, इसके अंदर फैमिलीज इर्द गिर्द से आके करती हैं, ट्रैकिंग करेंगे या हाइकिंग करेंगे, थोड़ी सैर करेंगे, कुछ देखेंगे और इस तरह ये हम आज की वीडियो आपके लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। ये इसके एंट्रेंस के ऊपर गाड़ियों की पार्किंग के अंदर जाएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे और ये देखें ना, ये फैमिली आपको नज़र आ रही होंगी बैठी हैं। ये पहले यहाँ से झूले लगे हुए हैं या टेंट लगे हुए हैं बैठने के लिए। आज हवा बड़ी तेज़ है और आपको दिखाएंगे, ये पार्किंग बड़ी है, ये एक पार्क है यहाँ, ये देखें ना, बैठों के स्टूल का इंतज़ाम किया हुआ है लोगों के, ये सारे का सारा यहाँ लोग कुछ आए हुए हैं, फैमिलीज भी आई हुई हैं। हम पहले अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और फिर मैं आपको यहाँ एरंडेल पार्क की रिवर में भी लेके जाऊंगा, वो छोटा सा रिवर है जो निकलता है और फिर जाके ये देखें यहाँ से हम इसको अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से पार्क करने की कोशिश करेंगे। ये सारा वो टॉयलेट है, लेटरिन है, बड़ी खूबसूरत जगह पे उन्होंने बनाई है और अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी और नीट एंड क्लीन है। और ये भी देखूंगा कि मैं आपको दिखा सका तो दिखाऊं। और इस तरह अभी हमें अपनी लाइन के अंदर लगानी है, पार्किंग के अंदर ना जी, अपनी लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट। और अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमने यहाँ से रिवर्स का बटन दबाया और ये मेरी गाड़ी की आ गई लोकेशन। अब मैं यहाँ से कैमरे से देख लूँगा कि ये मैं कैसे लगा रहा हूँ और मैंने कैसे ये करनी है, और इनको दोनों लाइनों के एम, क्योंकि मेरी बड़ी गाड़ी है तो इसको मैंने एहतियात से लगाना है, इसलिए कि दूसरे आदमी का दरवाज़ा जो है ना खुल सके। और चले मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ नहीं लगाता और सामने वाली लाइन में लगा देता हूँ, हाँ बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर। ये दोनों लाइनों के ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ मैंने लगा दी सीधी करके। हाँ जी, ये लग गई, अब सामने से कैमरे नज़र आ रहा है ये सारा कुछ। ये पार्क हो गई गाड़ी, ये पार्क हो गई, चले हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी सही लाइनों के ऊपर, ये देखें बिल्कुल। और अब हम ये इस पार्क की, ये पार्किंग पीछे नज़र आ रही है आपको, और देखिए थोड़ी देर बाद ये अब उसी दरिया के साथ, लेक क्रीक के साथ दाखिल हो गया, और ये अब इस तरह साइड पे चलना शुरू हो गया। देखिए पार्क है, बहुत 10-15 मिनट की सैर करें। हम ब्रिज पे, जो मैंने कहा था,
ब्रिज पे चलते हैं। ऐसे ऐसे बड़ा मजबूत ब्रिज है वैसे, ये उन्होंने ये बनाया, बहुत ही मजबूत है। इसके ऊपर चलते हैं लोग। ये लें जी, अब हम ब्रिज, ये देखें वो एक फॉल सी बनी हुई है छोटी सी, वहाँ यहाँ से ना ये फॉल सी बनाई है ने। ये इधर से आ रहा है, यहाँ लोग सैर कर रहे हैं, और पीछे इसके बैठे हुए ना लोग पाश कर रखे हुए हैं। ये इसके ब्रिज के उस पार चलेंगे दूर से, एक चर्च की का मीनारा नजर आ रहा है। ले जी, और यहाँ आ गए हैं इसके पार। यहाँ फैमिली इस शेड के नीचे बैठ के कुछ थोड़ी सी करती हैं। ये इस तरह यहाँ भी, ये दरिया के इस पार है, पहले उस पार थे हम, यहाँ भी इन्होंने इसी तरह बनाया। इन दरख्तों के पीछे यूनिवर्सिटी है, ये देखिए। ये मैं दौड़ तो सकता नहीं इतना, लेकिन बहरहाल वॉक कर सकता हूँ। ये देखिए कितना घास इवन काटा हुआ है। आज मौसम बड़ा मज़ेदार है, लेकिन बारिश की फोरकास्ट की वजह से लोगों ने प्रोग्राम ही नहीं बनाया, वरना यहाँ खचा खच तो नहीं। बहरहाल टोलियाँ बैठी होती हैं, बारबेक्यू कर रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल लाते हैं। ये देखिए, ये रात की शाम की ढल है। तो इस तरह ये आगे से जाता है। ये जर्मनी में ना एक जगह ये मोहब्बत का ताला लगा है इन्होंने अपने से। ये प्यार मोहब्बत और चाहत बर्दाश्त, देख लीजिए कुर्बानी से होता है। ये देखिए ये ताला लगाया, अपनी आशाओं भावनाओं और अपनी ख्वाहिशों अपनी चाहतों अपनी तमन्नाओं के लिए। ये दे ये जर्मनी में एक जगह ना ऐसा है, लोगों की है लेकिन मुख्तलिफ फेथ हैं, उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। एक ये ताला लगाया हुआ है, माही जो सानू मिलना चाहिए। एक छोटा सा ये लवली सा ले जी, ये एग्जिट है सख्त हमारा है जी। ये देखें पूरे पार्क की आपको सैर। एक चीज़ रह गई है, कुकिंग मैंने दिखा दी आपको, कहाँ बारबेक्यू वगैरह होता है वो मैंने दिखा दिया। अब आपका सबसे अहम चीज़ दिखाऊंगा आखिर में। तो ब्रिज के ऊपर से हम ना थोड़ी देर में आपको ब्रिज के ऊपर से नजर आ जाएगा, कितना ज़बरदस्त पानी के लग जाते जी, बहुत ही। बुलबुल है ये।